50 या 55 किलोमीटर हमने क्रॉस करी। इतनी भयंकर वाली भाई चेकिंग चल रही थी ना, आज कोई ब्लॉग बनाने का सीन नहीं था, बट हाईवे पे ऐसी चेकिंग चल रही है ना भाई। चेक करो भाई का लगती होने की गाड़ी, अभी मैं रेडी हूँ भाई, मैं तो बोलता हूँ मेरे को पकड़ो आओ। यहाँ से भाई नोएडा की लाइन हो रही है तुम्हारे भाई की, भाई हाँ भाई भाई पागल हो गया इंसान, ये गाड़ी चला चला के। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। भाई आज का ब्लॉग बनाने का कोई भी सीन नहीं है, सीन कुछ ऐसा है भाई कि मतलब पूरा वीडियो जो है शूट हो चुका है और पूरे वीडियो में एक इंसिडेंस इतना भयंकर वाला हुआ है जिसके ऊपर अपनी आज की वीडियो होने वाली है। सीन कुछ ऐसा था, छोटी सी एक राइड थी 100 से 150 किलोमीटर की, 100-150 जाना 100-150 आना। सौरभ भाई ने गाड़ी चलाना यहाँ से स्टार्ट करी थी नीमच से और 100-150 किलोमीटर अपन को चलना था, बट सीन कुछ ऐसा हुआ था 50-55 किलोमीटर जैसे क्रॉस हुए हाईवे पे इतनी भयंकर वाली चेकिंग चल रही थी, तो सौरभ भाई को हेलमेट नहीं पहना था। सौरभ भाई को मैंने बोला गाड़ी वाड़ी पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करो भाई मैं ले लेता हूँ गाड़ी। गाड़ी मैंने वहाँ पे ली, राइडिंग जैकेट मैंने पहनी थी, हेलमेट पहना था, गोप्रो सब लगा था और बकाया था, मतलब अच्छे तरीके से मैंने वीडियो में भी बोला है अपन को पकड़ लिया तो भाई काफी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा बाइकर्स पास कोप्स वाला, मतलब समझ रहे हो ना वो वाला। तो भाई बहुत ही अच्छी वीडियो बने रहना, बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, काफी अच्छी वीडियो रहने वाली है। तो पूरी वीडियो बन चुकी है, वीडियो बनने के बाद अपने रूम पे आके जो है इंट्रो शूट हो रहा है, तो बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। आपसे मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे और पुलिस वालों के सामने, तो चलिए। बॉयज रैंडमली एक राइड हुई है 100 किलोमीटर की, मतलब जहाँ पे मेरी लोकेशन थी नीमच से, नीमच से तो अभी अपन निकल चुके थे, सौरभ भाई ड्राइव कर रहे थे। आज कोई ब्लॉग बनाने का सीन नहीं था, बट हाईवे पे ऐसी चेकिंग चल रही है ना भाई हाई लेवल की, तो मैंने जो है गाड़ी ले ली है, यहाँ से राइडिंग जैकेट मेरे पास है और देखते भाई अपन को पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, अगर पकड़ेंगे तो अपन को कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा, बड़ा हरामी हो बेटा, और नहीं पकड़ेंगे तो भाई ये ब्लॉग शायद ही आपको देखने को मिल पाए। लेट सी क्या सीन रहने वाला है, पकड़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ेंगे तो भी अच्छी बात है, मैं तो सभी में रेडी हूँ भाई, मैं तो बोलता हूँ मेरे को पकड़ो आओ हमारा, मगर कैमरा देख के क्या हर कोई गजब टू भी आ जाती है ये लाइन देखा फिर सामने से देख रहे तो भाई कैमरे होने का बहुत सारे फायदे रहते थे भाई। ये ब्लॉग बनाने का कोई सीन नहीं था, मगर अब कंटेंट मिल ही गया है तो भाई समझना, छोटी सी राइड के ऊपर अपने अपनी वीडियो बना देंगे, मतलब छोटी सी राइड के ऊपर आज के वीडियो आप सभी को बना के दिखा देते हैं। 100 किलोमीटर की राइड है, कुछ काम वहाँ पे तो अर्जेंटली निकल चुके हैं अपन, और निमित में जो अपना काम चल रहा था वो अपने सारे भाई संभाल लेंगे, जहाँ तक अपन शाम को वापस अपन अपनी लोकेशन पर आ जाएंगे। अभी भाई 5:45 हो रहा है दिन के, चलते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पर जो कि 100 किलोमीटर है, अर्जेंटली मतलब कि यहाँ से 25 किलोमीटर, फटाफट से कवर करते हैं छोटी सी राइड के ऊपर, अच्छा सा वीडियो आप सबको बना के दिखाते हैं। नहीं पता बोर्ड के पास में है। इधर है, कितनी दूर होगी? जाओ सीधा बोर्ड ही है। ठीक है भाई, अपन जो है अपनी लोकेशन पे आने ही वाले हैं। सीन कुछ ऐसा है भाई, पिछली वाली वीडियो में नोनी ने एक बात बोली थी जो कि पिछले वीडियो में इनकम्प्लीट रह गई, मतलब मैंने एक लाइन बोली थी अपनी लास्ट वीडियो में, MP04 की गाड़ी MP14 में, ये जो अपना नशा है ना भाई अपनी गाड़ी को हर जगह ले जाने का, तो ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बोला था आप सभी को कि ये मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो लास्ट वाले क्लिप में थकान इतनी हो गई थी भाई, मतलब अपनी लोकेशन में पहुँचते तो वहाँ पे अपन ने कुछ बोला ही नहीं, चलो अपन ने अपनी वीडियो में कुछ बोला ही नहीं। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, अपनी गाड़ी है MP04 मतलब भोपाल की, और नीमच में लगता है MP14, तो ये मैंने बोला था कि MP04 की गाड़ी MP014 में, तो ये जो नशा है ना भाई, मतलब अपनी व्हीकल को, अपनी बाइक को, और अपनी जो भी भाई इतनी प्यार करते हैं अपन जो भी रहता है, अपनी बाइक को हर जगह ले जा, अपनी बाइक को हर जगह ले जाने का जो नशा रहता है ना भाई, ओनली बाइकर कैन अंडरस्टैंड। लाल सीन कुछ ऐसा है कि अपन पहुंच चुके अपनी लोकेशन में ऑलमोस्ट, हाँ थोड़ा थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपन को इधर उधर, फटाफट से पहुँचते अपने फेस के साथ अपने आईफोन से इस वीडियो को, नोनी थोड़ी सी देर में करेगा कंटिन्यू, तो चलिए। सुबह ही सपन आ चुके अपना, भैया लगा दूँ अंदर है ना, तो वही सपन आ चुके अपने मुकाम पे भाई। काफ़ी अच्छे से आपको जो एक्सप्लेन करूँगा आज वाली वीडियो का, अपना एक छोटा सा कंटेंट था जो कि अपन को पुलिस वाले रोक रहे थे, तो सीन कुछ ऐसा था, एक काम करते गाड़ी अच्छे तरीके से पार्क करते अपन अपनी होटल में,
चेक करो भाई का लगती लोने की गाड़ी एकदम सेफली तरीके से एकदम कोने पे ही लगाता भाई ये ऑफ। सो वही गाड़ी तो आपने देख ही ली कितने सेफली तरीके से उन्होंने पार्क करते अपने होटल में, मतलब कि पार्क करते अपने होटल में। सीन कुछ ऐसा आपको भाई रूम में दिखा देता हूँ और रूम में जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अपना जो भी आज की वीडियो का कंटेंट था। यहाँ पे हमारे दो रूम है, पहला मैं दिखा देता हूँ क्या बकचोदी चल रही है भाई। हाय हाय पागल हो गया इंसान, ये गाड़ी चला चला के क्या कर रहे हो, ये गंदी गंदी हरकतें तुम, दिखाऊं वीडियो में अभी एक्सपोज करूं तुमको? नहीं 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 करूं नहीं। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकता वीडियो में, ये लोग डॉलर आ जाएगा मेरी इनकम बंद हो जाएगी। दिखाता हूँ थोड़ी देर में इनका, ठीक है भाई गेट लगा लो भाई। हालत इतनी खराब हो चुकी है, सीन कुछ ऐसा था, उन्होंने जो काम से आया था नीचम में, नीचम बोल रहा हूँ नीमच, नीमच में जो अपन काम से आए थे, एक और जो हमारा रूम है वो ये है भाई, ये चेक कर सकते हैं आप क्या कर रहे हैं लोग, देखें वीडियो चलो करो करो करो, हेलमेट रख लिया नहीं, अरे भैया आपके भी बनाए करो करो, एक सेकेंड आ रहा हूँ भाई। शाम को ना लड़कों का सीन अलग ही होता है, मतलब रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। सीन कुछ ऐसा है भाई आज वाली वीडियो का, छोटी सी एक राइड थी, मतलब छोटी सी एक राइड थी अपनी, अपन को चलना था कहाँ पे, अपन तो नीमच में दूसरे काम से आए थे, बट सीन कुछ ऐसा था भाई कि अपन को जाना था 100-150 किलोमीटर, तो यहाँ से गाड़ी ली अपने सौरभ भाई ने, सौरभ भाई गाड़ी चलाते 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 मे भी जो है 50 या 55 किलोमीटर उन्होंने क्रॉस करी। देन हाईवे पे इतनी भयंकर वाली भाई चेकिंग चल रही थी ना, तो मैंने बोला गाड़ी पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, एक काम करो आप मेरे को गाड़ी दो, वहाँ से फिर मैंने गाड़ी ली है और जो हेलमेट पहना है और जो हेलमेट में वो इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है ना, पुलिस वाला पहले अपनी तरफ आया और उसने कैमरा वैमरा देखा, पूरा सेटअप देखा अपना, हेलमेट वगैरह भाई वो पीछे हो गया, बैक हो गया, मतलब बैक हो गया। सीन को जैसा था वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं था, अगर वो पुलिस वाला अपन को पकड़ लेता या कोई भी इंसिडेंस होता तो और अच्छी बन सकती थी आज की वीडियो, बट आज की छोटी सी राइड थी जिसके ऊपर मैंने अपनी एक छोटा सा वीडियो बना के आप सभी को दिखाया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, आज वाले वीडियो को और ज़्यादा बड़ा ना करते, उन्होंने यहीं पर एंड करेगा अपने होटल में, इधर उधर घूम रहा हूँ क्योंकि रूम का सीन थोड़ा आउट है भाई। और एक चीज़ बताने तो भूलिएगा भाई, जैसे पता है नोनी जो है नीमच आया अभी राइड के लिए नहीं अपन दूसरे काम के लिए आए, और यहाँ से सीन कुछ ऐसा बन रहा है भाई, 2-3 दिन का काम अपना यहाँ पे बचा है, वो काम फिनिश करने के बाद यहाँ से भाई नोएडा की लाइन हो रही है तुम्हारे भाई की, अपनी बाइक से तुम्हारा भाई जाएगा नोएडा, साथ में अपने सौरभ भाई भी रहेंगे, वो सारी बातें इस ब्लॉग में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस नोएडा का सीन बन रहा है यहाँ से दिल्ली का, दिवाली पर घर चलेंगे 3-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए बस भाई, बाकी यही बात थी, यही अपडेट था, यही छोटी सी राइड थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करो, बने रहो वीडियो में, मतलब कि चैनल पर बने रहो, मिलेगा तुम्हारा भाई तुम सबसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, सो टेक केयर दादा एंड बाय बाय।